चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चा, क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज की हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान बोर्ड की, स्पेशली क्योंकि बिजनेस लॉ उन्हीं का पार्ट है। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं या फिर बीबीए फर्स्ट ईयर के हैं, तब भी आपका बिजनेस लॉ का पार्ट है। और ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, वो भी आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए भी आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है, राइट। आरबीएससी बोर्ड के लिए स्पेशली मैंने नोट्स तैयार करे गए हैं, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाता हूँ वही नोट्स आपके डाउनलोड करने के लिए भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मतलब होता है किसी भी एक इंडिविजुअल में वो सब एक क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके थ्रू वो किसी भी अदर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब 18 से जो अबव है, एंड हु इज साउंड माइंड, जो कि एक साउंड माइंड का है, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, राइट। दो तीन चीजें हैं बेसिकली, यहां पर तीन चीजें हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में। एक तो पर्सन मेजर होना चाहिए, मतलब 18 से अबव होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, राइट। ये तीन चीजें अगर हैं तो उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मानते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर बेसिकली हम तीनों चीज़ें डीप में जाके पढ़ने वाले हैं। पहला माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल प्रोविज़न है, फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल प्रोविज़न है, और हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में फिर हमारा जो साउंड माइंड है उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल प्रोविज़न है। सबसे पहले प्रोविज़न रिलेटेड टू माइनर हम पढ़ने वाले हैं। माइनर कौन होता है बच्चा? 18 से बिलो कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा एक पर्सन जो कि 18 से कम है, हम उसको माइनर बोलते हैं। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या क्या प्रोविजन है वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एक एग्रीमेंट अगर आप करते हैं माइनर के साथ, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही वो इनवैलिड होता है और कोर्ट की नज़र में वो वैलिड नहीं होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही, बिगिनिंग से ही वॉइड या इलीगल कोर्ट उसको मानता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ विच आर सप्लाइड टू हिम और हिज लीगल डिपेंडेंट। अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है, बिजनेस लॉ भी बोलता है कि जो माइनर है 18 से बिलो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है। देयरफोर ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द पेमेंट। अगर आपने किसी एक माइनर की मदद भी करी है उसके ज़रूरत के टाइम पे, तो वो कोई लॉ बंद नहीं है। लॉ बंद मतलब इन द सेंस होता है, ये कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई उसमें कंपल्शन नहीं है कि किसी और ने उसकी हेल्प करी है तो उसको भी किसी और की हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसा एज सच कोई कंपल्शन माइनर के लिए नहीं है। अगर कोई उसकी हेल्प भी करता है तो माइनर, ज़रूरी नहीं है कि माइनर इन रिटर्न उसकी हेल्प करे। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। माइनर एजेंट बन सकता है, जैसे हम प्रिंसिपल और एजेंट वाला अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे, एजेंसी पढ़ेंगे। ओनली हिज प्रिंसिपल इज लायबल फॉर हिज एक्ट बट ही विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर हिज एक्ट। यहाँ पर क्या है, एक प्रिंसिपल माइनर को रख सकता है अपने काम को करवाने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ मीटिंग करने के लिए, लेकिन हर जो डीलिंग है, हर जो लॉस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइनर नहीं होगा। पूरी हद तक रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल ही होगा। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की है अगर वो पर्सन को रख रहा है तो। अगर वो माइनर को रख रहा है पता कर भी, मतलब उसको पता है कि वो माइनर है, तब भी उसको अगर बिजनेस में शामिल कर रहा है, पार्ट बना रहा है, तो वो लॉस और जितनी भी उसके साथ मिसफॉर्चून या मिसहैपनिंग होती है उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अ माइनर इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एस्टोपल। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, मतलब कोई उसे बांध नहीं सकता कि आपको पैसा पे करना है। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, पार्टनर बाय एस्टोपल होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है, जहाँ पर अगर दूसरी पार्टी ये मान लेती है, दूसरी पार्टी ये मान लेती है कि ये भी इन बिजनेस पार्टनर के साथ ही पार्टनर है और उन बिजनेस पार्टनर को लॉस हो जाता है, तो माइनर जो है लॉस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं फील करेगा, या माइनर को लॉस को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, माइनर एज अ पार्टनर बाय एस्टोपल एक्ट कर सकता है। वहाँ पर वो प्रॉफिट होगा उसके लिए तो जिम्मेदार होगा, लेकिन लॉस में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इतना आप समझ लीजिए, ये नॉमिनल पार्टनर का ही पार्ट होता है। अगर आप में पार्टनरशिप पड़ी होगी तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनर आते हैं। वहाँ पर एक नॉमिनल पार्टनर होता है, वहाँ पर नॉमिनल पार्टनर का ही एक पार्ट होता है पार्टनर बाय एस्टोपल, मतलब वो फर्म में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन प्रॉफिट में वो हिस्सेदार होता है, लॉसेस के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, राइट। चलिए,
अ माइनर इज लाइबल फॉर अ टॉर्ट सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है इंडियन बिजनेस लॉ में कि माइनर ने अगर कोई गलती करी है, कोई ऐसा सिविल रॉन्ग करा है, कोई ऐसा क्राइम करा है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है, राइट। चलिए आगे है, द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट लाइबल फॉर द एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर। वॉट, अब जो माइनर के पेरेंट्स हैं वो माइनर की गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अ पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट लाइबल फॉर द एग्रीमेंट मेड बाय देयर माइनर। वॉट, अगर मान के चलिए कोई एंड सो पर्सन है, अगर उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि वो माइनर है, तो आप उनके पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते अपने माइनर, उनके माइनर बच्चे के लिए, राइट। रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इज नॉट अलाउड, मतलब आप ये सोचेंगे यार अभी तो बच्चा है, वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उससे सारे पैसे ले लूँगा, कोर्ट केस कर सकता हूँ, वो अलाउ नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, माइनर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट नहीं बन सकता है। हो रहा है बच्चों, क्लियर? तो ये थे हमारे बेसिक लीगल प्रोविजन ऑफ अ माइनर। अब देख लेते हैं पर्सन रिलेटेड विद अ पर्सन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर एक पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड मतलब कि वो मेंटली वो सही पोजिशन में नहीं है सही डिसीजन लेने के, हम उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट lays down that a person is said to be of a sound mind for the purpose of making a contract at the time when he makes it. He is capable of understanding it. He is capable of forming a rational judgment. देखिए, sound mind बताया गया है, sound mind के person हम कैसे बोलते हैं, जब contract करा जा रहा है वो उस contract को समझ पाए plus उसके basis पे सही decision ले पाए, तब हम उसको sound mind का बोलते हैं। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पा रहा है और सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो हम उसको अनसाउंड माइंड का पर्सन बोलते हैं। जनरली इडियट, लूनेटिक, ड्रंकन, हाइपोनाइज पर्सन एंड मेंटली डिकेड पर्सन आर ट्रीटेड एज अनसाउंड माइंड पर्सन। हो रहा है बच्चों, क्लियर? अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आप होश में नहीं थे, ड्रंकन है, या आप किसी ने हाइपोनाइज कर दिया है, तो आप उस केस में साउंड माइंड के नहीं रहेंगे। और ऐसे पर्सन के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा या खुद ही ऐसे पर्सन हैं आप, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी लीगल नहीं माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटेड टू द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया है किसी भी पास्ट मिस्टेक की वजह से, तो वो पर्सन भी फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, राइट। इन एडिशन टू माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देर आर अदर प्रोविजन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल पोजिशन, प्रोफेशनल और लीगल स्टेटस, ईदर होली और पार्शली, सो द एग्रीमेंट मेड बाय सच पर्सन आर वॉइड, राइट। अपनी पास्ट मिस्टेक की वजह से या रॉन्ग डूइंग की वजह से अगर आपको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था किसी भी रीजन की वजह से, तो आप या फिर वो पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाई करा गया है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंगल्ज नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पर्टेन नहीं करता या कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। तो ये तीन बेसिक हमारे लीगल प्रोविजन है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में, पहला माइनर है, दूसरा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, राइट, और तीसरा हमारा है साउंड माइंड के पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमें लर्न करना।